सुप्रतापिनी स्थिरचरणिका व्यापिभिर्व्याप्यलोकान् भुक्ता भोगान्स्थविष्टान् पुनरपि शनोपाशितान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया शङ्खातुरीयं ब्रह्मणोऽस्मि यो विश्वात्मा विधिदर्शयान् प्राप्तभोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चरण्यान् शमति भवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शरणे स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पातशौनस्तुलीयः। जिस श्लोक का चल रहा था उसको भी पढ़ें। अजम अति यनि योगम प्रापरश्वर्य योगात् अवगतिं च गतिमत्तां प्रापदेकं हिरण्येकं विविध विषय रहम राहि मुग्धेक्षणानां प्रणतमभयहन्ति ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। इसको पहले बोला था कि इसको मैं पहले इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ईद पढ़ते पढ़ते हमको याद भी हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि भाष्यकार की शैली देखिए, गुरु परंपरा के प्रति और ब्रह्म के प्रति और अपने गुरु के प्रति कितना सुंदर निष्ठा के साथ में जिसके बाद जिसके रहने के कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं उसको दिखाए कि ये जो श्लोक कल हम लोगों ने पढ़ ली थी। पहला दो का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी उपखंड भाष्य साधन अनुबंध चतुष्टय लिखा करके मैं वापस पूर्ण व्यापक है, उस पूर्णता में व्यापकता में गति होना संभव ही नहीं है, फिर भी गति मत्याम उच्च ऐश्वर्य योग से गतिशील भी दिखाई पड़ता आवागमन में आवागमन और एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रकृति होते हैं। यही माया शक्ति की महिमा किसके लिए है? तो बोलते कौन लोग ज्ञानी के लिए नहीं है, अविवेक के लिए है। फिर होता है विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणाना, अलग अलग विषय के धर्म उसके गुण को ग्रहण करने वाले और उसके द्वारा मोहित होता है, मन मचता रहता है, मन खुश होता है। इस प्रकार मोहित होने वाले व्यक्ति का ये वो है, मतलब एक होते भी अनेक है और जो है आवागमन नहीं होते आवागमन बड़ा हो जाता। आप देखिए पूर्व मीमांसा दर्शन में सारा कर्म का फल गति आगति के माध्यम से कहा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि ये कर्म के प्रति आसक्ति रखने वाला उसके फल के प्रति मोहित होने वाले व्यक्ति के लिए वेद दिखता है, परंतु जो उनको मतलब उनके प्रति झुक जाते हैं प्रणत जो उनके प्रति झुक जाते हैं टोटल कमिटमेंट और डेडिकेशन वो होता है क्या उनके भय को नाश करते हैं, भय मतलब द्वितीय बुद्धि को नाश करते हैं। इस प्रकार जो प्रसिद्ध ब्रह्म है जब ब्रह्म उनके प्रति मैं नमस्कार नमस्कार जो मैं बताया था तीन प्रकार की यहाँ पे जो बोलेंगे क्वालिटी वाचिक मानसिक। अब कल जो है किस पंक्ति तक पढ़ लिए थे उसका छोटा सा नीचे बचा हुआ था जिसमें समस्त प्रकार के भेद
अस्त हो जाता है, निरस्त समस्त नाना होता, समस्त भेद जहाँ पे असजातीय विजातीय सगत भेद जहाँ पे नहीं। इस प्रकार के दस नंबर टिप्पणी में बोलते हैं निरस्त समस्त नाना, मतलब सकल भेद शून्य, तीन प्रकार के भेद सजातीय विजातीय सगत भेद उससे शून्य है। एक रसम होमोजीनियस है, एक रस है, चैतन्य घन है, प्रज्ञान घन है, एव एक रस है। अब अद्वितीय उपनिषद भी अभ्युपगम्य, एक रस है, कोई विजातीय वस्तु को संभव नहीं है, ये उपनिषद के माध्यम से जाना जाता है, उपनिषद के माध्यम के ब्रह्म के स्वरूप को जाना जाता है। ये बताइए इदम ब्रह्म, ब्रह्म जो प्रेजेंट है, तो ये जो है इदम और ब्रह्म ये नॉमिनेटिव में प्रयोग है कि एक्विजिटिव में प्रयोग है, कैसे पता लगा आपको? इदम में इमाने, इदम में इमाने, नॉमिनेटिव में भी एक्विजिटिव में दोनों भी ऐसे बने प्रेजेंट में। अभ्युपगम्य करेक्ट, वो जो प्रक्रिया पर देखिए पैसिव में आया हुआ है ना, यद्यपि च इदम ब्रह्म वस्तुतः निरस्त समस्त नानात्म एक रसम अद्वितीय उपनिषद भी अभ्युपगम्य सिद्ध नॉमिनेटिव होना चाहिए। तथापि जीव जगत ईश्वरश्च, ठीक है ना, जीव जगत और ईश्वर, ये तीनों सारा दर्शन में ये तीनों को लेके विचार किया गया, जीव जगत और जगदीश है ना। और यद्यपि वो एक रस है, एक रूप है, फिर भी वो तीन रूप में दिखाई पड़ते हैं, किस रूप में? जीव रूप में, जगत रूप में और जगदीश्वर के रूप में, ये तीनों रूप उन्हीं का ही है, निर्गुण निराकार निर्विशेष। जब अनादि अनिर्वच्य अविद्यावशा, ये जो हमको भेद दिखाई पड़ता है जीव जगत, वो क्यों दिखाई पड़ता है? अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान के कारण, अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान के कारण है ना। इति एतत् अनादि अनिर्वच्य अविद्यावशा अनेकम इव प्रतिभाति, वो अनेक जैसा प्रतीति होती है, प्रतिभाति प्रतीति होती है। 11 नंबर टिप्पणी देखिए बोलने माते, इति एतत् इदम एवं आकारेण जीवादि रूपेण, मतलब इधर मतलब ये जो तीन भाग में विभाजन रूप में दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से जीव जगत और जगदीश्वर के रूप में दिखाई पड़ते हैं, उसी के यहाँ पे इतर शब्द द्वारा कहा गया प्रतिहाति इति आह, उसी को मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार केवल एकम ही अनेकम है ना, वो एक होते हुए भी अनेक रूप में दिखाई पड़ता है माया की महिमा से। अघटन घटन पट्टी असी माया, एक में जहाँ पे भिन्नता होना संभव ही नहीं है, इसको घटा कर दे उसको भिन्न करके दिखाते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिए थे केशाम दृष्टा पुनर अनेकत्वम ब्रह्मण अवगम्यते, किन लोगों की दृष्टि से ये ब्रह्म में अनेकत्व समझ में आता है, कौन लोग देखता है ब्रह्म में अनेकत्व है ना, इसलिए बोलता है केशाम दिशे सुवर्णवि, अहंकार को देखते हैं परंतु भाव क्या रहता है सुना के। इसी प्रकार आत्मा भी अथवा ब्रह्म भी जगत को देख आ रहे प्रतीत हो रहे, परंतु उसका जो भाव क्या रहता है आत्मा भी आत्मा ही है, आत्मा ही देखते सभी नहीं। केशाम दृष्टा पुनर्प्रति, ये तो फिर बताइए किन लोगों की दृष्टि से ब्रह्म अनेकत्व अवगम्य, तो ब्रह्म में अनेकत्व समझ में आता है, तब आह उसको उत्तर में बोलते हैं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धेशनाना है ना, भेद वृत्ति में रहने वाले व्यक्तियों को व्यवहार करने का तो जो विषय है वही धर्म है, कर्मधारा समझ विविधाश्च ते विषय धर्मश्च, अलग अलग भी है और विषय के धर्म भी अलग अलग, विषय के अलग 84 लाख जोनियों में सब जोनियों के अलग अलग प्रकार के व्यवहार उसे होता है। विविधाश्च ते विषय धर्माश्च कर्मधारा समाज हो गया, तो हमें देखिए 12 नंबर टिप्पणी होता है विषय धर्म शब्दादीनां सौंदर्य धर्म, विषय कितना हमारे पास शब्द स्पर्श रूप रस, ये शब्द बहुत अच्छा है, ये गंध बहुत है, ये गंध बुरा है, यही जो है विविध विषय धर्म है तद्ग्राहितया, उसको ग्रहण करने वाला होने के कारण मुक्त मतलब विपर्यस्तम विवेक विकल, ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, वास्तविक एक सुखदायक नहीं है, तात्कालिक तो असुगंधी तो सुख देता है, परंतु सुगंधी आपका अंदर का है। आप यदि अंतर्मुख होकर ध्यान करेंगे आप देखना कि ऐसी आनंद की अनंत धारा अंदर से आ रहा है, उस
उसके साथ मधुर रस भी है, सुगंध भी है, सब आपको अपना करना है ना। तो परंतु हमें क्या लगता है बाहर सब सुगंधी है, उसमें मुक्त हो जाता है विवेक भी है, मुक्त यहाँ पे ना मुग्धे क्षणाना मुक्त होकर के मतलब विवेक विकल विभेद विकलम इक्षणम जैसा इक्षणम मतलब अंतकरण विवेक विकल अंतकरण बुद्धि है जिन लोगों का तेषाम दृष्टा ब्रह्मणम अनेकत्व थी ब्रह्मणम अनेकत्व थी न तो तत्वतः। ठीक है आपका पुस्तक में ऐसा ही लिखा है देखिए क्योंकि हमारा पुस्तक में मेरा कुछ अपने आप संशोधन किया हुआ है। विविधस्य ते विषय धर्मस्य तद ग्राहिकाया मुग्धम मतलब विपर्यस्तम मतलब विवेक विकलम इक्षणम लुट प्रत्यय हुआ है तो अंत करण अर्थ कर दिया। ठीक है आपके पास ये अनेन इक्षति इसके द्वारा दिखा जाए विकलम है ना तो वहाँ के मकरंद शब्द है ना हलंतम शब्द है हलंतम है तो इसका दीर्घ विकार हो गया था तो आपके इक्ष था तो दीर्घ विकरण के शब्द। ठीक है ना हमारे पुस्तक में वहाँ पे इकार की मात्रा नहीं थी तो आपके पुस्तक में है नहीं इक्षण। ठीक है इवन ये शाम फिर उसके बाद क्या ये शाम के बाद ये शाम हमारे पुस्तक में ये शाम नहीं है ना ये शाम लिखा हुआ है ये शाम दृष्टा ब्रह्मण अनेकत्व धीरे पारमार्थिक नहीं है न तो माया के द्वारा मोहित अंतकरण के द्वारा ही जो है अनेक दिखाई पड़ते हैं। एक हो गया आपका कि विपर्यस्य दृष्टा एक हो गया शांत दृष्टा है ना शांत दृष्टा तो तस्मिन् एकत्वमेव प्रामाणिकम् इति अर्थः। ठीक है ना देखिए दृष्टि की भिन्नता देखिए एक हो गया अशांत दृष्टि कौन सा विपर्य तो अपने आप लिखा विवेक विकल विवेक के विकल का विवेक ठीक से काम ना विवेक विवेक विकलम इक्षण विवेक रहित होकर के देखता है विवेक रहित होकर के देखते हैं ये शांति शांत दृष्टा ब्रह्मण अनेक अधीर न तो तत्त शांत दृष्टा तो तस्मिन् एकत्वम एव प्रामाणिकम शांत दृष्टि से क्या है वो एक ही है एक ही शुद्ध शुद्ध चेतन व्यापक तत्व पूरा संसार को व्याप्त करके रखा इसका अर्थ बताया। इस प्रकार जो ब्रह्म है तो ब्रह्म को इस ब्रह्म का तटस्थ रक्षण बताया इस ब्रह्म को हमारी प्रसिद्ध ब्रह्म को हमारी नमस्कार ब्रह्म दत्तर न तो अस्मि हो गया आपका हिमालयन शब्द है ये आठ सात का विभाजन होता है आठ सात का विभाजन होते हैं आगे और ये अति शक्तिशाली ग्रुप में आते हैं एक चंद्र ग्रुप में कई विभाजन होते हैं हिमालय बाकी आगे फिर ये सात 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 का विभाजन का शब्द द्वारा शब्द है ये पहला वाला हो गया। ठीक है ना ब्रह्म को प्रणाम किया आप जी हैं जिसने एक मानव को कारिका जिसने देखा बहुत पता चल गया उनके प्रति प्रणाम करते हैं हम तो बहुत गुरु परंपरा का नमस्कार करते हैं। यहाँ भी देखिए सात सात के विभाजन करके परिज्ञता आपको समझ में आएगा प्रज्ञा वैशाख वेद प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे शुभित जल निधे वेद नाम अंतरस्थम ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुग्धधारा दुर्लभम भूतहेतो
परम गुरु ममम परम गुरु ममम पाद पादैर न तुष्मि पाद पादैर न तुष्मि प्रज्ञा वैशाख भेद क्षुभित निधे वेदनाम्नान्तरस्थम् भूतान्यालोकमज्ञान्यविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यारुद्धारामृतमिदमरे दुर्लभद्भूतहेतो यस्तं पुनश्चाधिपूज्यं परमगुरुं पादपादैर्न नमोऽस्मि। अब गीत में से आपको पहले लाइन में देख लीजिए, प्रज्ञा वैशाख वेद सात अक्षर हुआ, शुभित जल निधि सात अक्षर हुआ, और वेद नाम अवघन ही बनेगा वेद नाम रस्ता, ठीक है ना, प्रसादी श्रद्धा श्रद्धा। यहाँ पे भी देखिए अमुक परम गुरु पाद पाते न तो अस्मि, ये अमुक शब्द अगस्त शब्द से बनता है, अगस्त शब्द का दोनों अर्थ है दिस एंड दैट, दोनों अर्थ में प्रयोग होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नस्तिक को लेकर के बोलता है इस गुरु जी को जो हमारे सामने प्रतिभा होता है, सामने प्रतिति होता है इस गुरु जी को, जैसे अमुक परमम गुरु मतलब गुरु जी के गुरु जी है, हम लोग रोज बोलते हैं ना गौर पाद महंत गोविंद गौर पदाचार्य श्री गोविंदाचार्य गुरु गोविंदाचार्य के गुरु जी परम गुरु, मतलब जो हमारे सामने उपस्थित इस प्रकार परम गुरु को पाद पाते ही न तो अस्मि दंडवत प्रणाम कर दो, आप उनकी चरणों में गिर करके पाद पाते ही उनके चरणों में गिर करके मैं प्रणाम करता हूँ, पाद पाते दंडवत प्रणाम करते हैं। अब गुरु का विशेषण क्या गया, पूज्य भी पूज्य, ठीक है ना, पूज्य गुरु जी, गुरु जी का भी पूज्य, पूज्यों के द्वारा पूजे जाने वाला, पूज्यों के द्वारा पूजे जाने वाले जिनके गुरु जी है, उस गुरु जी को मैं गुरु जी का गुरु जी है, उस गुरु जी के चरण कमल में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तब अतः उस गुरु जी को अब उसका मैं फिर उनको गुरु जी का विशेषण को दिखा रहा है, पहले ऊपर से आ जाइए, प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद नाम है ना, वेद नामक जो जल क्षुभित जल निधि, वेद नामक जो एक क्षुभित मतलब बहुत ढेव वाला एक समुद्र, वेद नामक भयंकर ढेव वाला जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर विद्यमान जो तत्व है, जैसे देवता लोग ने समुद्र मंथन किया था, देवता लोग ने समुद्र मंथन किया था, देवता राशि मिल करके शेषनाग कुलस्य बना करके, तो वहां पे मंदार पर्वत हुआ था, मंथन गंड मंदार पर्वत बोलते हैं, जैसे कि हम आपको ये पर्वत को दंड बनाए थे और दोनों तरफ से मंथन कर गए थे देवता से मिलकर, वहां पे एक चीज देखी, ये जो हमारा समुद्र मंथन है ये बाहरी वस्तु नहीं है, ये आपके अंदर की मंथन है, आपकी सुवृत्ति और कुवृत्ति के द्वारा खींचा जा रहा है, जब मंथन करते रहेंगे वहीं से अमृतत्व निकलेगा। ये शास्त्रीय का कहिए, पुराण हमारा उपनिषद को छोड़ करके नहीं है, आप इसको अनुभव भी करेंगे, इसको अनुभव भी करेंगे, वही तो अमृतत्व तो छुपा हुआ है। मैं 1998 तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाऊँ, कुछ गुरु भाई को हरिद्वार आ जाऊँ यहाँ पे, तो मैं उस समय थर्ड ग्रुप कर रहा, थर्ड ग्रुप भंडार कर यहाँ पर तेरह समझ, मैंने बोला समझी तो ऐसा बोल रहे थे दिन के लिए समझी ऐसा बोला ना, तुम स्वयं पूर्ण कुंभ हो, वहाँ पे जाकर गोता लगा के क्या करोगे, आपके अंदर गोता लगाओ, जन्म जन्म अंदर तो पूर्ण मिल जाए, चित सागर में गोता लगाओ, उस पल में गोता लगा के क्या करोगे, चित सागर में गोता लगाओ, वो सब तो पूर्ण भावी में मिल गया, तब से कुंभ में जाने की इच्छा छूट गया मुझसे दबी। तो ये जो है तब समझाइए चीज, समुद्र मंत्र कुछ नहीं है, यही चीज है अपने अंदर की मंत्र है, अपने अंदर की मंथन करो अमृतत्व तो ही से निकलेगा। अब देखिए देवताओं असुरों की विशेषता देखिए, ये अमृत मंथन से पहले लक्ष्मी निकला, घोड़ा निकला, हाथी निकला, जहर निकला, वो लोग
कई चीज मतलब मन को आकर्षण करने वाले अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां निकलते हैं, परंतु रुखा नहीं जब तक ना अमृतत्व निकला। देखिए एक अध्यापक देखिए उन लोगों की, जब तक वो अमृत नहीं निकला तब तक वो मंथन करते हैं। कुछ भागादौड़ी हुई मतलब लक्ष्मी को लेकर के, हाथी को लेकर के, घोड़ा को लेकर के भागादौड़ी तो कुछ परंतु मंथन तब तक करता है। अभिप्राय यही है कि हम भी अपने अंदर को जब मंथन करेंगे कुछ विक्षेप तो आएगा, परंतु रुकना नहीं हुआ जब तक ना अमृतत्व निकलता है। अमृत मतलब आप निरपेक्ष पूर्णता की जब तक ना बोध होते हैं तब तक मंथन चलते रहे, तब तक मंथन चलते रहे। यही जो यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे कौन ये हमारा गौरपादाचार्य जी, अब उनके पास मंत्र मंथन दंड था प्रज्ञा वैशाख वेद। प्रज्ञा मतलब मैं पहले प्रज्ञान अंशुतता नहीं जब पहले दिन बोलता था घट ज्ञान पट ज्ञान मन ज्ञान अलग 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 ज्ञान है। व्यभिचार करने वाला कौन है और अव्यभिचारी कौन है? अव्यभिचारी ज्ञान हो गया प्रज्ञा, ये अव्यय है। उस अव्यभिचारी ज्ञान के द्वारा वो हो गया वैशाख मतलब मंथन दंड, उसके द्वारा वेधन किया मतलब अंदर डाल करके कहाँ डाला अंदर शुरू से चल रही थी एक भयंकर ढेर वाला समुद्र में, वो समुद्र बना वेद नाम उसकी अंदर से विद्यमान अंतरस्थम उसके अंदर विद्यमान अमृतम इदम ममरे दुर्लभम था राय। क्या है ये जो अमृतत्व को प्राप्त कराने वाला, ये जो अमृतत्व को प्राप्त कराने ज्ञानात्मक अमृत जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए जो समुद्र मंथन में मिला था वो तो पक्षपात करके उनको मिल गया था, परंतु ये अमृतत्व देवताओं को आसानी से मिलने वाला नहीं। इस प्रकार के अमृतत्व दुर्लभ तो किनके लिए बनाया? वो भूत हेतु हो समस्त भूतों के लिए बनाया, जीव के लिए बनाया, मनुष्य के लिए बनाया। क्यों बनाया? कारुण्यात्मक था उनकी करुणा हुई। क्यों करुणा हुई? क्योंकि उनको समझ में आ गया अज्ञान के कारण ये जो संसार रूप जन्म मृत्यु वाला संसार रूप सागर में ये भूतानी आलोक्य से मिले समस्त भूतों को देख करके क्या है मग्न मग्नानी भूतानी मग्नानी आलोक्य अविरत जनन ग्रह घोरे समुद्रे जन्म मृत्यु रूपी मगर मछली के द्वारा घेरा हुआ इस समुद्र के अंदर बार बार डूब रहा है। इसको देख करके जहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं वहां भी बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम कर कल्पना में क्या दुखी होता है, इसको देख कर उनका करुणा करुणा के बिना महापुरुष के ज्ञान के बाद और काम करने के लिए जिसने देखा कि सारा संसार सृष्टि नहीं हुई सृष्टि हुई ने जिसने प्रतिपादन किया फिर किसके लिए ग्रंथ लिख रहे हो मतलब क्या होता है उतना मात्र हिस्सा भगवान उनके ऊपर दशा के रखते हैं कि जीव को कल्याण करने के लिए करुणा पूर्वक ये ग्रंथ लिखती है। देवताओं के लिए दुर्लभ जी अमृत साधन रूपी ये जो एकत्व दर्शन रूप जन्म रहित रूप अमृत इसको उद्धार किया था। कैसे उद्धार किया था? समस्त वेद को एक साथ आलोकन करके। कैसे उद्धार किया था? आलोकन कैसे किया था? प्रज्ञा रूपी वैशाख्य मंथन दंड के द्वारा इस प्रकार जो किया था जह तम इस प्रकार जिसने किए थे वो तो उसको मैं वो हमारे पूज्या भी पूज्यम परमम गुरु नमो पाद मानते हैं है ना। उसको मैं अब देखिए इस कार्य की कांड के लिए यहाँ पे सामान्य मोटा है तो देखते हैं तब उसके संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकम संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शक पूर्वकम परम गुरु आप ठीक है प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकम प्रदर्शन पूर्वकम प्रदर्शन पूर्वकम परम गुरु नौ है कि मौ है नौ ठीक है तो यहाँ की गौरवर्तन बहुवचना तो गुरु परंपरा को मुख्य मान करके परम गुरु को आगम शास्त्र से व्याख्या कर्ष कौन है वेद की व्याख्या करने वाले परंपरा से आगम शास्त्र से व्याख्या पुनः तृतीय न उसका प्रणय पूर्ण क्या बोले कि उसका प्रणय त्रलांग फर्स्ट मैन टू रियलाइज दैट थिंग अजात मन है ना इसलिए बोलते हैं प्रणय प्रणयन करने वाले हैं व्यवस्थित अंकुश रूप में दिखाई दे रहा है प्रणमति उनको नमस्कार करते हैं ठीक है प्रणमति ये है ना
भावाद्वैत सदा कुरिया क्रियाद्वैतम न कहे किसी भी समय में किसी प्रकार
क्रिया से क्रिया में द्वैत नहीं है। अब गुरु जी का जब प्रणाम कर रहे हैं क्रिया सहित न कार्यचित कार्यचित हाँ अद्वैत और सर्वभूतेषु समस्त भूतों के साथ अद्वैत की भाव रहता है अभिन्नता की भाव रहता है ना द्वैत गुरु नाश गुरु की मर्यादा ना द्वैत गुरु नाश गुरु के साथ अद्वैत की भाव नहीं करना इसलिए दिखाई दे रहा सामने अरुण चरण में झुककर प्रणाम करते हैं इसलिए हमें बोलते हैं अमुक इति तस्य पुरोदेश सन्निहित तेन अमुक शब्दों के द्वारा इस गुरु जी उसका सामने खड़े है इस प्रकार सन्निहित होने के कारण अपरोक्षतम सूचितम मतलब अपरोक्षतम पांच नंबर की टिप्पणी में क्या बोल रहे हैं अपन अमुक पूरा पश्चिम के बात के बाद भंडार किए भंडार का में लास्ट में आया था कि जो तुमने सामने अब तुमको पेड़ दिखाई दे रहे ना शिव जी ने इसको अपना पुत्र रूप में माना देवदार उसके आपको उद्धृत मतलब ये कोई जो है ना पुराण की बात है ये मैं बोला था भंडार का सारा इसे हृदय को दे दिया हमें रहते हैं क्योंकि हम तो निश्चित कह सकते हैं कि हमारे षष्ठ पीठाधीश्वर उसने भंडारकर तो नहीं इसको जो उचित किया है तो उनका पुराण के उदाहरण है पुराण में ऐसे होते हैं अमुं पुर पश्यसि देवदारु इति पद शब्दस्य अपरोक्ष अर्थत्वं दृष्टम् यदि इस प्रकार व्यवहार प्रयोग को भगवान भाष्यकार यहाँ पे अमुं शब्द को प्रयोग करके आप बोल रहे अपरोक्ष अर्थ सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा अभिन्न रूप में तो ऐसा कहाँ प्रयोग है बोलते पुराणों में ऐसा प्रयोग है एक वृक्ष को दिखा करके बोल रहे हैं एक दूसरे को इस वृक्ष को ना शिव जी मतलब सामने वृक्ष हो शिव जी अपने पुत्र के रूप में अपना शब्द सामानाधिकरणवात् तस्य पुरदेश सन्निहितत्वात् यहाँ भी समझे परमं गुरुं अमुं जो बोला ना जस्तं परमं पूज्यं ठीक है ना पूज्या विपूज्यं परमं गुरुं अमुं वहाँ पे किसके साथ सामानाधिकर रहे तम उसको तम के साथ एक प्यार तम किसका तम का प्रतिपादी क्या है तत् 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 शब्दों का मैस्कुलिन एक्यूजेटिव सिंगुलर ये तम के साथ अमुं का आना है दोनों के द्वारा दो बोलने की आवश्यकता उसको बोला उस इस गुरु जी को हाँ उस ब्रह्मरूपी इस आत्मा से आकाश को उत्पन्न हुआ ब्रह्मरूपी इस आत्मा से आकाश को उत्पत्ति ठीक है ना आचार्य समाधिगतम
क्या लिखा है? हाँ नहीं, गौतम लिखा है, मतलब नौ लिखा है, तो गौतम है ना वो, ठीक है, समाधि गौतम इति आह, इसको मन में रखते हैं, कहते हैं पूज्या ही पूज्यम परम गुरु अहम्। ठीक है ना, ये कैसे बोल रहे हैं कि पूज्या ही पूज्यम, क्योंकि पूज्य जो गुरु जी है ना, गुरु जी का भी गुरु है, अतिशय न पूज्य, इसीलिए अतिशय मतलब निर्दिशय पूज्य तो उसमें आते हैं। आचार्य जो शंकराचार्य के लिए निर्दिशय पूज्य आचार्य समाधि गतम, ऐसा उनको समझ में आया, इसलिए समाधि गतम मतलब निश्चितम, भगवान शंकराचार्य का निश्चय है ये पूज्य का भी पूज्य है, क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा भी पूजे जाते हैं, इसलिए बोलते हैं समाधि गतम पूज्य। नमस्कार प्रक्रिया प्रकटयति, नमस्कार कैसे, नमस्कार नमस्कार की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, हम गुरु जी को कैसे प्रणाम करते हैं, पाद पाते ही उनके चरणों में गिर करके पादौ तदीयौ, पादौ पादौ मतलब कौन, गुरु जी के दो चरण कमल होते हैं, तयोर स्वकीयस्थ उत्तम अंगस्य पाता भूय भूयो नम्रि भावा तहिर इति यावत्। यह शब्द देखिए क्या सुंदर बोलते हैं, एक हो गया सर उसके चरण में लगा करके, यहाँ तक सर तो सामान्य दिखेगा, और बुद्धि है, बुद्धि की जैसा उसने लिखा उसको उसी प्रकार से लग कर दिया। ठीक है, इसे देखिए बोलते हैं पादौ तदीयौ पादौ तयोः, उन दोनों में सप्तमी द्विवचन, स्वकीयस्थ स्वकीयस्थ उत्तम अंग, अपने में विद्यमान जो उत्तम अंग, मनुष्य में सबसे उत्तम अंग क्या है, बुद्धि की है, क्या लिखे स्वकीयस्य, स्वकीयस्य हाँ एक ही होना चाहिए, स्वकीयस्य हमारे पुस्तक में थॉट लिखा है ना, ये स्वकीय मतलब अपना, समझ में आया, हाँ यहाँ से निकलाएगी, ये टिप्पणी कार्य लिखे हैं कि हिसाब नहीं रहता, अच्छा
विपक्षाया मतलब भिक्षाया विशेष रूप में दिखाई देने वाले सती शब्द भी नहीं है, सती शब्द नहीं है। कथम इति कैसे निकाला था वो, कहाँ से निकाला, ये उत्तर दे दिया। क्या निकाला, देवताओं को ये दुर्लभ अमृत, कहाँ से निकाला, वेद से निकाला। कैसे निकाला, प्रश्न कैसे निकाला, कथम इति आठ नंबर के कथम मतलब केन प्रकार उद्धार, किस प्रकार से उद्धार किया था, ठीक है। आठ नंबर टिप्पणी हमारे पुस्तक कथम को गिरते के लोग किस प्रकार से उद्धार, प्रश्न ये प्रश्न है। उसको उत्तर में क्या बोला कि मेधा सहिता प्रज्ञैव वैशाख मंथा तस्य वेध वेधनम क्षेपनम तेन क्षुभित विलोलित जलनिधिर वेदनाम, ठीक है, ऐसे है ना, ठीक है। तो देखो मेधा सहिता है ना, अपनी ग्रंथ धारण सामर्थ्य के साथ, विचार पूर्वक ग्रंथ धारण सामर्थ्य के साथ मेधा सहिता प्रज्ञा एव, मेधा सहित प्रज्ञा मतलब समस्त ग्रंथों को एक साथ धारण करके और फिर उसके ऊपर विचार दृष्टि डाल करके उसको विचार करना, बार बार विचार करना, ही हो गया मंथन। मेधा हो गया ग्रंथ धारण सामर्थ्य और प्रज्ञा हो गया विचार सहित विचार करने, ठीक है ना। आपने याद किया पर वहां पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, उसका भी प्रचार कर दिया, कहाँ उसका इसका अन्याय होगा या नहीं करता, परंतु ये हमारे बहुत पता चलते हैं हो गया मंथन उसका। बोलता है मेधा सहिता प्रज्ञैव वैशाख, मेधा के सहित प्रज्ञा ही था जिसका वैशाख मतलब मंथन मंथन दंड, तस्य वेद प्रज्ञा वैशाख वेद उस मंथन दंड का तरह वेद मतलब वेदन क्षेपन उसके अंदर डाला, ऐसा प्रज्ञा जिसको मंथन के मट्ठा करते हैं मंथन दंड का तरह उसको दही का अंदर डालते हैं फिर घुमाते हैं उसको, इसीलिए बोलते हैं उसका अंदर डाल, अपनी इस समस्त चीज को अंदर रख के अपनी बुद्धि को उसका अंदर डाल करके अब उसको विलोड़न कर रहे हैं वेदन क्षेपन तेन शुभित, इस प्रकार मट्ठा करेंगे उससे आपका मक्खन निकलते हैं, कई बार मट्ठा को ऐसा ऐसा करने पर फिर वहां से निकल करके उसी दही में से मक्खन, इसी प्रकार संपूर्ण वेद को अच्छी तरह से विलोडन करने पर वहां से ये अमृतत्व ज्ञानाक्ष अमृत निकल करके जो देवताओं के लिए दुर्लभ ये निकल करके आया, इसलिए बोलता है तेन शिवित विलोडित जलनिधि, जो जलनिधि है विलोडित जलनिधि मतलब वेद जिसका नाम वेद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रज्ञा वैशाख वेद बोला ना यहाँ पे, तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं तत्व विशेष अंश मेधा शब्द विशेष अंश को छोड़ दिया, यह मतलब धारण शक्ति तत्सहिता प्रज्ञा प्रतिभाशाली थी, प्रज्ञा मतलब प्रतिभाशाली थी मतलब इसका तात्पर्य का तो अर्थ किसमें है, तात्पर्य किसमें है यह समझने की वो, तभी जाकर के निकाल सकते आजाद बहादुर रूपी ऐसा मक्खन, आजाद बहादुर रूपी अमृत मक्खन अनेक अच्छी तरह से विलोड़न करने वाले, विलोड़ित विलोड़ित मतलब क्या हो गया मतलब उसको हिलाना, यह का मतलब क्या है वर्जालोचित अच्छी तरह से बार 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 आलोचना मन मन विचार करना वर्जालोचित यदि आपसे पूछा जाए कि घी निकालने के लिए आपको दूध चाहिए तो आपको हम पहला प्रश्न करते हैं दूध के अंदर घी कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं घी, तो पहले संपूर्ण दूध में ही वो घी छुपा हमको दिखाई नहीं देता, हमको दिखाई देने के लिए क्या करना पड़ता है पहले उसको दही में जमाना पड़ता है, दही में जमाना कर जमाने के बाद फिर उसको मंथन करना पड़ता है तो मक्खन निकलता है फिर उसको गर्म करते हैं फिर घी निकलता है, जिस प्रकार इसी प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्म पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु पहले क्या करना पड़ेगा उसको दही रूप में जमाना पड़ेगा, वो भिन्न भिन्न देखने का मन को पहले थोड़ा शांत करना, दही रूप में जमाने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा अपनी विचार रूपी वर्षा के द्वारा उसको मंथन करना, मंथन करने के बाद उससे निकलेगा परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा, उस परोक्ष ज्ञान को विचार करने पर तपाने पर अपरोक्ष अनुभूति,
पक्ष ज्ञान करता है, मानने का अपना पक्ष। ये जो प्रोसेस है तो उसी को यहाँ पे देखिए कितना सुंदर समझा रहे हैं कि तस्य अंतरे अभ्यंतरे स्थितम इदम अमृतम इति जाय, उसी के अंदर विद्यमान है, उस वेद के अंदर इस अमृतत्व विद्यमान है, ये अभिप्रेत आते हैं। उक्तस्य ज्ञानामृतस्य प्रसिद्धात् अमृतात् अवान्तर वैषम्यम वैषम्यम आदर आदर्शयति, है ना। जो यहाँ पे जिस अमृतत्व को दिखा रहे हैं उक्तस्य ज्ञानामृतस्य, वहाँ पे तो पेय अमृत है, ज्ञानामृत ज्ञानामृतम जस्य भोजनम, है ना। ज्ञानामृत जो है ज्ञानियों के भोजन, उक्त ज्ञानामृतस्य प्रसिद्धात् अमृत, जो प्रसिद्ध अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला, उस अमृत से इस अमृत में भिन्नता क्या है, उस अमृत से इस अमृत का भिन्नता क्या है, उसके बोलते हैं कि उक्त ज्ञानामृत से प्रसिद्धात् अमृत अवान्तर वैषम्य, वहां पे है वो भी, वहां पे देवता लोग आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, उसके लिए मैं मरू नहीं मैं जिंदा रहूं इस भावना से लेकर के अमृत पीना चाहते हैं। अरे तू कभी मरे मरता ही नहीं है, तो ठीक से समझो अपने को, तुम्हारा जन्म मृत्यु है नहीं, इसलिए ये अमृतत्व निरपेक्ष अमृतत्व है, वो तो सापेक्षिक अमृतत्व है। ये अवान्तर विषमता को दिखाने के लिए बोलते हैं, जो अवान्तर वैषम आदर्शयति, विचार करके फिर दिखाते हैं। अमरे ही दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ, अमरे ही दुर्लभम है ना, भूत हेतु हो अमरे दुर्लभ, जद ही भगवता नारायणेन क्षीर सागर अंतर अवस्थितम अमृतम समुद्रितम तदेव कथम चित अमरा लेविने, जो भगवान नारायण के द्वारा भगवत अमृत क्षीर सागर के अंदर उसको छुपा के रखा गया था। साधारण अमृत तो क्या है, जो अमृत मंत्र क्यों नारायण के द्वारा क्षीर सागर के अंदर भरे उसको छुपा के रखा गया था। जब देव असुर को पता लगा तब तो देखा कि देवताओं को भी तो ही चाहते हैं, दोनों मिलकर उसमें लग गए, जिसके बोलते हैं पुराण की कथा, जति भगवता नारायण क्षीर सागर अंतर अवस्थितम अमृतम समुद्रितम तदेव कथंचित अमरा लेभिये, वो जो क्षीर सागर को मंथन करने के जो अमृत निकला था देवता लोग किसी प्रकार से उसको प्राप्त, कथम चित मंत्र लड़ाई झगड़ा करके छल कपट करके तब जाकर प्राप्त किया था। आप पर ध्यान में मुख्य चीज क्या है, भगवता नारायण क्षीर सागर अंतर अवस्थित, इसी प्रकार भगवान नारायण के द्वारा आपके अंदर भी आपने आप स्वयं अमृत है, आपने आप आपके अंदर उसमें रखा हुआ है। ये इस चीज को निर्देश नहीं बोलते, यदि ही भगवता नारायण क्षीर सागर अंतर अवस्थित अमृतम, जिस प्रकार क्षीर सागर के अंदर अमृत है इसी प्रकार आपके अंतकरण के अंदर ही साक्षी रूप में अमृतत्व विद्यमान है, इसको प्रचारित समुद्रितम जिसको देवता ऋषि मिलकर उद्धार किया था, तदेव कथन की उसी का ही थोड़ा इसी प्रकार से अमरा देव देव अमरा देव निर्जरा अजरा अमरा देव देवी ने प्राप्त किया थी लब्ध धातु का अपने परिधान है एक पुस्तक देश इस इरे छी इरे छी ले भी ने प्राप्त किए थे लब्ध धातु को अपने इसका लिट लगा कर 50% पूर्ण नंबर ले भी ने प्राप्त ज्ञान सामग्री संपन्न लभ्यता, ज्ञान सामग्री अगर पूरा है तो आपको ज्ञान अमृत प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्ञान सामग्री यदि पूरा है तो आपको ज्ञानामृत प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि ज्ञान सामग्री नहीं तो ना चले, ज्ञान सामग्री क्या है, विवेक वैराग्य शक्ति मोक्ष, देवताओं में तो वैराग्य तो है तो कहां से भोग जो नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान सामग्री संपन्न ही केवल लभ्यता नीति अर्थ, यदि कारुण्यात् इदम् अमृतम् आचार्येण वेद उदधेर भूत उपकारत्वं समुद्रितम् कथं तर्हि कारुण्यं तस्य प्रादुर्भूत, आप कहते हैं कारुण्यात् उद्धारम् इदम् अमृतम्, करुणा के कारण हमारे आचार्य ने इसको उद्धार किया, क्योंकि उनकी करुणा आई क्यों, करुणा कहाँ से आ गई उनके अंदर, क्यों हुआ ये, बोलते हैं
यदि कारुण्य यदि आपने कहा कारुण्य उद्धव यदि कारुण्य इदम अमृतम ये अमृतत्व मतलब ज्ञानामृतम आचार्येन आचार्य के द्वारा वेद उद्धवे वेद नाम समुद्र से पंचमे एकवचन उद्धवे उद्धवे का पंचमे एकवचन भूत उपकारार्थम भूत के समस्त प्राणियों के हित के लिए उद्धृतम उसको उद्धार किया गया था कथम तरी कारुण्य कथम तरी कारुण्य कस्य प्रादुर्भूत उस गुरु जी के अंदर कारुण्य तो उद्भव क्यों हुआ कहां से आया उसके अंदर यदि आशंका आप इसको जो शंका करते हैं आनंद जी की शैली को देखिए तो बोलता है पदक एक एक पद की उपयोगिता क्या है क्यों ऐसा कर दिया इसके पीछे एक प्रश्न उठा करके उसको उत्तर कर देते ठीक है इसलिए तो यदि कारुण्य की जब हम जो मानते हैं जो वेद उद्धते भूत उपकारण उद्धृतम ये 12 नंबर टिप्पणी लिखी पड़े हमें इसमें कथम कथम मतलब केन हेतु न किस कारण से तरी तब तो तरी मतलब तब उद्धारस्य कारण न हेतु करते मतलब यदि उद्धार करने के लिए हुआ तो ये उद्धार के इस कारण के लिए क्या क्यों हुआ उसका कारण न कि तरी कारण न कस्य प्रादुर्भव केन कथम मतलब किस कारण से उनका अंदर करुणा आई है ना इस प्रकार कोई व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो कुछ बोले चाहे ना बोले माता के मन तो वैसे ही कहता है कि भगवान हम तो कुछ नहीं कर सकते इतने काम कर सकते भगवान जी हमें प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि संभव हो तो इसका दुख हरण करना हमें ये भी पता नहीं है कि जो है इसका प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है कुछ जैसा जैसा कर्म होता है तदनुरूप भोग होता है आते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं भगवान जी हमें प्रार्थना कर सकते हैं बाकी ईश्वर जानते हैं उसके बाद में क्या लिखा है उसमें कोई दुराग्रह नहीं रहता ये हो जाए तो इसलिए बोलते हैं कि तस्य प्रादुर्भूत इति आशंका भूतानि आलोक मग्नानि जनन ग्राह घोरे समुद्रे है ना जो सेकंड लाइन में आया भूतानि आलोक मग्नानि अविरत रिलेंटलेसली कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ इट बट उसी के अंदर बार बार देखते हैं कि मग्नानि अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे बार बार जन्म गुरु के घर समुद्र में डूबते हैं कुछ भी देखिए लिखते हैं जो अयम समुद्र वक्त गुरुत्वार संसार यहाँ पे दो समुद्र बना एक वेद सागर और एक संसार सागर है ना ये संसार सागर को पार करना बहुत कठिन होता है उसको बोलते हैं कि यो अयम समुद्र बने जो समुद्र के समान गुरुत्वार हो मतलब समुद्र को क्यों बोला जिसको पार करना बहुत कठिन होता है इस पर उस पर समझ में नहीं आता गुरुत्वार कौन है वो संसार तस्मिन उस संसार में अविरतम मतलब अनवरतम सततम एव अनवरतम मतलब विदाउट एनी क्या बोलेंगे इंटरप्शन विदाउट एनी स्टॉप और विदाउट एनी विराम विदाउट एनी रेस्ट बस एक के बाद एक योनि को प्राप्त करते जाते हैं सततम एव कंटिन्यूअसली यानी जननानी ये बार बार जन्म लेना है विक्रह भेद ग्रहण जननानी मतलब क्या हो गया अलग अलग शरीर धारण कर विक्रह भेद ग्रहणानी अलग अलग शरीर धारण करता है कर्म कौन सा वेग तानी एव ग्रह वही हो गया मगरमच्छ के समान इस संसार सागर में मगरमच्छ के समान के जन्म मुक्त हो गया तानी एव ग्रह जलचरा जलचर जीव को बोलते हैं जो मनुष्य को खींच के नीचे गया जलचरा जल में विचरण करने वाले मगरमच्छ को ग्रह बोलते हैं तही घोर क्रूरे भयंकर उस प्रकार घोर क्रूर रूपी जो भयंकर जो संसार सागर है उस भयंकर संसार सागर में मग्नानी कुछ लिखा हुआ है पेट से पर मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा कि माता जी के भग्न संकल्प क्या लिखा हुआ भग्न संकल्प पानी हाँ भग्न संकल्प परवशानी हाँ पर टिप्पणी कहाँ पे परवशानी वो परवशानी के ऊपर ठीक है भग्न संकल्प पानी को कोई भी एक टिप्पणी है हाँ फोर नंबर फोर इसके ऊपर कि भग्न संकल्प पानी है भग्न वहाँ पे देखिए कि भयंकर मग्नानी मतलब भग्न संकल्प पानी परवशानी भूतानी उपलब्ध ये परवश जीव को देख करके कारुण्य आचार्यस्य प्रादुर आशी आचार्य में कारुण्य के प्रादुर्भाव हुआ था
अब देखिए भग्न संकल्पानी परवशानी इसको ऊपर अर्थ करते हैं। भग्न संकल्पानी भग्न तत्साधने भूतस्य ज्ञानस्य दुःसाध्यतया विहत संसार उत्तरण संकल्प येषां येषां क्या लिखा है साधनी भूतस्य ज्ञानस्य मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन रूप में मुक्त होने संसार बंधन से उत्तरण करने के लिए क्या साधन है आपका ज्ञान संसार रूप सागर से निकालने के लिए साधन है ज्ञान इसलिए बोलता है कि भग्न मतलब तत् साधनी भूतस्य ज्ञानस्य दुःसाध्यतया वो ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन इसलिए विहत मन मर गया उसका बेचारा सदा प्रतिहन प्रतिहनित हो गया रोक गया विहत संसार उत्तरण संकल्प क्या हो गया संसार के उत्तरण कर संकल्प किया तो मैं संसार सागर को पार करूंगा जब देखा कि हमको ज्ञान के माध्यम से पार करना है उसके लिए वैराग्य चाहिए मोक्ष चाहिए वहां पे उतना नहीं हो पाया तो रुक जाता है ये तो बहुत कठिन है साधन रूप घबरा जाता है बेचारा घबरा जाता है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे दुःसाध्यतया विहत संसार उत्तरण संकल्प जैसा इसके ठीक है रहने को संसार न रह करके देख लेते हैं तानि साधन दौर्लभ्य तत्व निराशा नहीं क्योंकि साधन में कठिनता दिखाई दे रही है तो सम्मान उठ जाता है ध्यान रखना एक धीर पुरुष का लक्षण है जो संकल्प किया वो धीर पुरुष का लक्षण जो संकल्प किया जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक आपके साधन से छूट गए तब तक आपके प्रयास नहीं छोड़ना तब तक लगा रहने वहां पर ठीक है जिस प्रकार से हमसे संभव है बहुत जल्दी नहीं करो परंतु ये है कि छोड़ना नहीं है जब तक हम उसको अंदर से अभूत नहीं होता तब तक उसको लगा रहना है इसलिए बोलते हैं कि भग्न संकल्पानि भग्न तत् साधने भूतस्य ज्ञानस्य दुःसाध्यतया विहत है ना उसका साधन जो ज्ञान है वो करना कठिन होने के कारण वह से मन उठता है परंतु संसार उत्तरण संकल्प जैसा वो जिन लोगों का संसार उत्तरण संकल्प टूट जाता है तानि साधन दुर्लभ है क्योंकि उन लोगों के प्रति वो साधन दुर्लभता के कारण तत् निराश मानसिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उपाय क्या है देखो हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो बोलते पहले छोटा छोटा संकल्प करो जो तुम कर सकते हो जो तुम कर सकते हो दिन में इतना सब बात को बोलोगे अथवा इतना देर बोलूंगा इतना देर नहीं बोलूंगा इतना समय सोऊंगा इससे अधिक नहीं सोऊंगा अथवा इतना जब करेंगे करेंगे अथवा इतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आज इसको मैं याद करूंगा ही करूंगा जब तक नहीं करूंगा तब नहीं खाऊंगा और उसमें भी जो चीज हमको अधिक अच्छा लगता है जो चीज हमको मन बार बार बोलता है करने के लिए पहले वहीं पे कुठाराघात करो पहले वहीं पे कुठाराघात करो 7 दिन के लिए मैं चाय नहीं सुबह उठकर के चाय पीने की इच्छा होता है 7 दिन 15 दिन और इतना करो ताकि तुम करने में सफल हो जाओ जिंदगी के ऊपर नहीं पीऊंगा ऐसा बोलोगे तुम नहीं सफल हो पाओगे पहले तो फिर अपना ही मन टूट जाएगा हाय मैं सोचा था कर नहीं पाया उससे अच्छा है छोटा संकल्प करो कोई टाइम पीरियड के लिए देखो सफल जैसे ही एक में सफल हो गए मानसिक शक्ति थोड़ा बन जाएगा थोड़ा और छोटा संकल्प करो कठिन करो फिर मानसिक शक्ति बनेगा ऐसा करते करते ऐसा धीरता आएगा इस जीवन में मैं भगवत प्राप्ति कर हो सकती शनि कंठ शनि मंथ शनि पर्वत आरोहण ये कंठ शिलाई करते हैं ना वो
धीरे धीरे करना चाहिए, किसी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए तो धीरे धीरे करें, धीरे धीरे पर्वत आरोहण जैसा धीरे धीरे, ऐसे साधन जीवन में भी धीरे 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 चलिए सफल हो जाए। अपना संकल्प होने से अपना मन टूट जाता है, ये नहीं हो पाया, आया मशीन नहीं हो पाया, वो नहीं होना चाहिए हमको। अधिक संकल्प भी नहीं करेगा, गर्व भी नहीं आना चाहिए, नम्रता के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए आप कुछ छोटा छोटा संकल्प करिए, उसको सफल करिए, पार पार हो जाएंगे। तत्व निराशा ने इति भाव के अंदर भाव है, भगवान संकल्प ने फिर परवशानी ये काम कर्मादि कर आयत्ता ये वासना और वासना से कर इसके अधीन हो जाते हैं, ये परवश हो जाता है। जन्मांतर के संस्कार इतना वासना और कर्म करो तभी ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो हमको कर्म छोड़ने नहीं, उसकी परवश होकर के जो भूतानि उपलब्ध कारुण्य आचार्य इसको देख करके कि ये काम करना था हमने महापुरुषों की दिखाते हैं आपको, देखो इस मार्ग में चलो ऐसे चलो तो भी निकल आओगे संसार से। आशित आया था प्रादुर आशित उसका करुणाता के आचार्य करते करते प्रादुर आशित प्रादुर भूत धातु और अस धातु एक ही अर्थ में आता है, प्रादुर्भाव होना पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य।